Now, we are going to solve exercise B on page number 9. क्या है question? Use a few, little, a little, much, many, plenty of, or some to fill in the blanks in the sentence. यहाँ पे जो इनमें से appropriate हो वो answer select करके हमें लिखना है. और इसमें क्या ध्यान रखना है? हमने क्या पढ़ा था? A few किसके साथ आएगा? A few always countable nouns के साथ आता है. फिर आगे है little. Little किसके साथ आता है? Uncountable nouns के साथ. पता है ना? क्या है आगे? Little and a little. A little and little वो किसके अंदर आता है? Uncountable nouns हो उसके आगे little या a little लगता है. फिर आगे क्या है? Much and many. Much किसके साथ आएगा? ये uncountable nouns के साथ. और many countable noun के साथ. और आगे क्या है? Plenty of और some. Plenty of किसके साथ आएगा? Uncountable nouns हो गए तो वहाँ पे plenty of आएगा. और some and any can be used with countable nouns or uncountable nouns. Okay? किसी में भी यूज कर सकते हो. तो हमें उस तरीके से ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये countable noun है या uncountable noun, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा आंसर. सो फर्स्ट देयर वॉज वेरी डैश ऑयल लेफ्ट इन द कैन सो शी ऑर्डर्ड सम मोर. यहाँ पे देखो ऑयल है. ऑयल हमारा countable noun है या uncountable noun? Countable noun. नहीं ना, uncountable noun है. So, answer क्या आएगा? Little, a little, फिर much और plenty of. उसमें से कुछ भी आ सकता है या फिर some भी आ सकता है. तो हमें क्या देखना है? There was a very little oil. ये little का भी use होता है जब हम कोई भी चीज को थोड़े नेगेटिव वे में बोलते हैं तो लिटल यूज होता है, और अ लिटल पॉजिटिव वे के सेंटेंस हो गए तब अ लिटल यूज होता है. यहाँ पे देयर वाज अ वेरी लिटल यानी बहुत कम तेल बचा है. इन द कैन सो शी ऑर्डर्ड सम मोर. नेक्स्ट इज नॉट डैश गर्ल्स केम फॉर द म्यूजिक शो. तो इस ये क्या है? गर्ल्स है तो वो काउंट कर पाएंगे हमको अभी नहीं पता, लेकिन जितनी भी गर्ल्स होगी जो आ सकती थी और नहीं आए तो वो काउंट कर पाएंगे, यानी आएगा मैनी. नॉट मैनी गर्ल्स केम फॉर द म्यूजिक शो. आई विल हैव डैश राइस प्लीज. अभी ये राइस अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्या आएगा? Uncountable nouns या फिर सम. तो लिटल या अ लिटल नहीं आएगा, इसमें आएगा आई विल हैव सम राइस प्लीज. नेक्स्ट आई कैन फिनिश माई वर्क इन डैश मिनट्स. अभी देखो मिनट्स भी हम काउंट कर पाएंगे, हाँ फ्यू मिनट्स में हम कर पाएंगे कंप्लीट, यानी 10 मिनट 5 मिनट वो हम काउंट कर पा रहे हैं, इसीलिए इसमें आएगा अ फ्यू. I can finish my work in a few minutes. Next, there was dash food for everyone at the party. तो इसमें क्या आएगा? अगर यहाँ पे देखो sentence क्या है? Party में food है सबके लिए, यानी यहाँ पे plenty of आएगा. क्यों? क्योंकि जितना food पार्टी में ऑलवेज जितना फूड होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, यानी मोर देन इनफ फूड होता है. तो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ, ठीक है, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन एट द पार्टी. ये हो गया हमारा आंसर. अभी नेक्स्ट सिक्स्थ वन. दे हैड टू हरी एज दे डिड नॉट हैव डैश टाइम लेफ्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो मिनट्स था
तो वो हम काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन टाइम है तो उसे हम टाइम को हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसमें क्या आएगा, दे हैड टू हरी, उनको जल्दी करना पड़ेगा। दे डिड नॉट हैव मच टाइम, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सेवन, डैश चिल्ड्रन लव एनिमल्स वाइल अदर्स डोंट, हमने ये ऑलरेडी एक्सरसाइज में फर्स्ट वीडियो में देखा था, वही है, डैश चिल्ड्रन लव एनिमल्स वाइल अदर्स डोंट। तो इसमें क्या आएगा, सम चिल्ड्रन लव एनिमल्स वाइल अदर्स डोंट। नेक्स्ट, हाउ डैश शुगर शुड आई बाय, अभी इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, सो आंसर क्या आएगा, मच, हाउ मच शुगर शुड आई बाय। नेक्स्ट, हाउ डैश बुक्स डू यू वॉन्ट, यानी बुक्स हम काउंट कर पाएंगे, जितनी बुक्स हमको चाहिए वो, तो आएगा हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट। टेंथ वन, देयर इज नॉट डैश चीज लेफ्ट फॉर अनदर सैंडविच, तो इसमें क्या आएगा, चीज हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो कन्वर्ट काउंट करते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नॉट मच, बहुत ज्यादा, देयर इज नॉट मच चीज लेफ्ट फॉर अनदर सैंडविच। इलेवन, डोंट वरी यू हैव डैश टाइम टू फिनिश योर वर्क, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या कहा है, आप चिंता मत करो, आपके पास टाइम है, टाइम आपका काम खत्म करने के लिए टाइम है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारा टाइम है, अगर चाहिए उससे भी ज़्यादा है तो उसमें क्या यूज होता है, प्लेंटी ऑफ, तो क्या आएगा, डोंट वरी यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिनिश योर वर्क। इलेवन, एड डैश सॉल्ट टू द सूप, अभी सॉल्ट क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन्स, सो यहाँ पे क्या आएगा, लिटल अ लिटल मच और प्लेंटी ऑफ, तो हमें क्या करना है, एड अ लिटल सॉल्ट, ये पॉजिटिव वे का सेंटेंस है, यहाँ पे देखो, देयर वॉज अ वेरी लिटल ऑयल लेफ्ट, ये नेगेटिव वे था, सेंटेंस तो अफर्मेटिव ही है लेकिन नेगेटिव वे में था, इसीलिए लिटल यूज हुआ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एड अ लिटल सॉल्ट टू द सूप। 13, वेट फॉर डैश डेज बिफोर यू बिगिन योर स्विमिंग लेसन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अ फ्यू, क्योंकि डेज हमारा काउंटेबल नाउन है, वेट फॉर अ फ्यू डेज बिफोर यू बिगिन योर स्विमिंग लेसन्स। नेक्स्ट, वी हैव डैश गुड न्यूज टू शेयर विथ अवर फ्रेंड्स, यानी इसमें क्या आएगा, गुड न्यूज है तो ये काउंटेबल नाउन है, तो हमें अ फ्यू ऐसे कर सकते, वी हैव अ फ्यू गुड न्यूज, नहीं ऐसे नहीं आता, तो वी हैव मैनी गुड न्यूज, नो वो भी नहीं आएगा, तो हमें यूज करना होगा सम, यानी वी हैव सम गुड न्यूज टू शेयर विथ अवर फ्रेंड्स। एंड लास्ट वन, आई हैव रीड द पंचतंत्र डैश टाइम्स, यहाँ पे देखो टाइम्स है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन, तो आई हैव रीड द पंचतंत्र मैनी टाइम्स, ठीक है, आपको सारी फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गई, अभी आपको घर पे क्या करना है, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी होमवर्क में करना है, ठीक है, हैव अ नाइस डे।